हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा था पिछले कुछ एपिसोड से, जो है हम शेक द अर्थ वाला इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड वहाँ पे जैसा तैसा अपने जो है बहुत कम टाइम में भी टॉप 50 पे अपना जगह बना लिया, टॉप 25 पे अपना जगह बना लिया है। एंड आज भी वही बैटल जारी करने वाले एंड कोशिश करने वाले जितना हो सके आगे बढ़ने के लिए। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है तो फिलहाल के लिए अपना बैटल जारी रख लेते हैं एंड टॉप 1 पे पहुंचने का जो कोशिश है वो ज़रूर करेंगे। तो लेट्स गो। एरिक डायनो को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ओपोनेंट कैसे आने वाला है वो पता नहीं। अभी भी हमें कितना बैटल जीतनी पड़ेगी तभी जाके हम लोग टॉप 1 पे तो जगह नहीं बना पाएंगे, टॉप 5 पे अपना जगह बना पाएंगे। तो लेट्स सी, अभी मजा आएगा ना। अभी इन लोग एचपी देख लेते हैं, फिलहाल के लिए पॉइंट को होल्ड कर लेते, देख लेते कि ये डायनो के पास एचपी कितना है भाई। ओके 600 700 भाई, मेरा सब 400 है। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। आते ही इसने फटके मारते हैं। ओके इसने एक पॉइंट होल्ड कर ली एंड एक पॉइंट ये कर ली, मतलब हम इसका डायनो को आसानी से 2 फटके से ले सकते हैं। तो हम भी ले लेते इसका डायनो को क्योंकि हमारे पास भी मतलब उतना तो बनता है। इसका फर्स्ट डायनो डाउन हो चुका है क्योंकि इसने मेरा डायनो का एचपी काफ़ी लो कर दी थी। सो अभी लेट्स सी, अब इसके पास 2 पॉइंट है। इसका अगर एक फटके में तो मरूंगी नहीं, 2 फटके चाहिए। अगर इसने 2 फटके यूज़ कर ली तो मेरे पास सेकेंड डायनो है जिससे ये ओके। पर मैंने तो ये चीज़ तो मैंने नोटिस की नहीं क्योंकि मेरा जो आखिरी डायनो है वो है कार्निवरस। 1 2 3 वेट अ सेकेंड, जो मेरा आखिरी डायनो है वो है कार्निवरस एंड इसका है वाटर टाइप। तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। भावना में आके अटैक तो कर लिया बिना पॉइंट होल्ड करे, पर जस्ट होप करते हैं कि हम बैटल को निकाल पाए। अभी देखते हैं यहाँ पे ये करता क्या। इसके पास 3 पॉइंट्स है, 3 में से इसने एक ही पॉइंट मारी तो 2 पॉइंट इसने शील्ड में दी होगी क्या। ओके हियर वी गो, अभी क्या करेंगे, आप अपना 2 पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं एंड 2 पॉइंट शील्ड में लगा देते हैं। भाई इसने पॉइंट को होल्ड नहीं की थी, सो हमने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे जो है हम बैटल जीतने वाले, मैंने सोचा नहीं था इसने होल्ड किया होगा होल्ड। एंड यहाँ पे अपना तुक्का जो है वो गलत लग गया एंड हमारा जो डायनो है उसका पीटी बन गया है। एंड यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बैटल ही बहुत बुरी तरह से हारे हैं। कोई ना, होता है होता है। जोर जोर में आगे पहुँचने का चक्कर में बहुत गंदी तरीके से पॉइंट्स को यूज़ कर ली थी, तो यहाँ पे अपना भी पेटी बन चुका है। फिर भी कोशिश जारी रखेंगे एंड जीतने का कोशिश करेंगे आप बैटल में। लेट्स सी, अभी हम यहाँ पे ले क्या दिस वन एंड अभी को लेट्स सी यहाँ पे ओपोनेंट कैसा आता है। सो कामली हम अपना जो बैटल है वो जीतने का कोशिश करेंगे। इसका यहाँ पे 2-2 ग्रास टाइप है तो जो अपना फ्लाइंग टाइप है उसका काम नहीं है। तो फ्लाइंग टाइप को बेट बनाते हुए हम जो अपना पॉइंट्स है उसको होल्ड कर लेंगे अभी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह भावना में बह गए तो हमें बहुत गंदी तरीके से अपना मौत होने वाली है, तो वो करते नहीं है। फिलहाल के लिए पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसने 3 फटके मार दी, अपना भी 3 फटके में शायद ये जाएगा। तो अपना 3 फटके में ऐसे भी जाता है। सो इसका फर्स्ट एक ग्रास टाइप डाउन हो चुका है, अभी इसका सेकेंड भी ग्रास टाइप है। इसका एचपी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे। अगर इसने 1 फटके मार दी तो मेरा डायनो का पीटी बन जाएगा, तो देख लेते ये क्या करता है। शायद ये भी 1 फटके मार दे, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे इसने 1 फटके मारते हुए मेरा डायनो का पीटी बना दिया है। लेट्स सी, सो हमारे पास 3 पॉइंट है, हम 3 पॉइंट यूज़ करेंगे ना, पॉइंट को होल्ड कर लेंगे एंड देखेंगे कि हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। सो लेट्स सी, इसके पास अभी 4 पॉइंट्स है। अगर इसने 4 पॉइंट यूज़ कर ली तो मेरा डायनो का पीडी बन जाएगा। इसने यहाँ पे 2 फटके ही मारी, नाइस वन, गुड वर्क। सो हम यहाँ पे डायनो को स्वाइप कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 लेट्स गो।
अन्यप इसने पॉइंट शील्ड में नहीं दी थी, तो इसका जो सेकंड डाइनो है वो भी डाउन हो चुका है। अब इसका आखिरी डाइनो बचा एंड स्टिल हमारे पास दो डाइनो है, तो हमारा जो यहाँ पे जीतने का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। फिर भी देखना है कि ये पॉइंट्स कैसे यूज़ करता है, अगर इसने स्मार्टली यूज़ कर ली तो अपना पीटी बनेगा। यहाँ पे इसने 5 पॉइंट्स मार दी, मेरा डाइनो का पीटी बन गया, तो अगर इसने होल्ड में भी किया तो एक ही पॉइंट क्या होगा। तो फिलहाल के लिए हम एकदम बिल्कुल रिक्स नहीं लेना है एंड यहाँ पे जितना पॉइंट्स है अपना वो डायरेक्ट अटैक में लगा के इसका जो आखिरी डाइनो है उसका पीटी बनाना है, क्योंकि जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा ही बैटल डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। पर यहाँ पे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे बैटल जीत चुके हैं एंड यहाँ पे अभी देखना है कि हम लोग कितना नंबर पे पहुँचते। अभी मचाएगा ना बिरू, इतना मतलब स्कोर हो चुका है, फिर भी हम लोग टॉप 10 पे जाने का दूर दूर तक हमारा कुछ नाम और निशान ही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। जस्ट होप करते कि टॉप 5 में जैसे तैसे पहुंच जाए बैटल एंड होते हुए, टाइम जो इवेंट ख़त्म होने वाला है। सो उससे पहले पहले हम लोग टॉप 5 पे पहुंच गए तो हमें अच्छा वाला रिवॉर्ड क्लेम कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट बैटल लेके हम नेक्स्ट बैटल में क्या ही डिफरेंट कर सकते हैं। सो हियर वी गो, लेट्स सी अभी ओपोनेंट कैसा आता है, क्योंकि जितना बैटल मतलब बढ़ते जाता है उतना ही ओपोनेंट बहुत डिफिकल्ट आते जा रहा है। तो यहाँ पे देखना है। वाह, मैंने बोला ही था एंड भगवान ने मेरी सुन ली, थैंक यू गॉड, क्योंकि यहाँ पे इसने जो डाइनोस लेके आया है मतलब जो इसका वो काफ़ी लो HP का है। सो मे बी हम लोग ये बैटल जो है आसानी से निकाल पाए, पर इतना आसान से भी बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। यहाँ पे इसने कुछ किया नहीं, सो हमारा वाटर टाइप का काम नहीं है तो हम क्यों स्वाइप करेंगे, हम भी फिलहाल पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे ये करता क्या है, इसके पास 3 पॉइंट्स है, अभी 3 पॉइंट्स में ये करता क्या है वो देखनी है हमें। लेट्स गो, उसने अभी भी यूज़ नहीं किया, भाई करना क्या चाहता है। 1 2 1 2 3 4, हियर वी गो। एंड इसने यहाँ पे 1 पॉइंट शील्ड में दी थी तो इसका HP काफ़ी हद तक कम कर दिया हम लोग ने, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके पास 5 पॉइंट्स है तो लेट्स सी ये 5 पॉइंट्स यूज़ कहाँ पे करता है। एंड यहाँ पे इसने डाइनो स्वाइप करते हुए, मैं मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, ये कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4, ओके। एंड यहाँ पे इसका 2 फटके में इसका जो फर्स्ट डाइनो है वो तो डाउन हो चुका है, जो इसका फ्लाइंग टाइप जो मेरा वाटर टाइप के अगेंस्ट काम आने वाला था। तो अब इसका 2 ही कार्निवोरस से शायद हम लोग ये बैटल आसानी से निकाल पाएंगे। अब इसके पास 7 पॉइंट्स है तो जस्ट देखने कि ये 7 पॉइंट्स यूज़ करता कहाँ पे। हाँ कर ले, हो भाई इसने 7 में से 6 पॉइंट मार दिया, मेरा फर्स्ट डाइनो को डाउन तो कर दिया है। अभी मेरा आता है सेकेंड डाइनो, इसने एक ही पॉइंट होल्ड में कर दिए तो हम 4 पॉइंट को यूज़ करते हुए इसका जो सेकंड डाइनो है उसको भी डाउन कर लेते हैं। अब इसका आखिरी एक डाइनो बचा हुआ है एंड हमारे पास स्टिल 2 डाइनोस हैं, एक जो है कार्निवोरस है तो जो इसके अगेंस्ट काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी जस्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग करता क्या है, हम लोग यहाँ पर कर क्या सकते हैं। यहाँ पर इसके पास 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट यूज़ करता कहाँ पर, इसने 4 पॉइंट यूज़ नहीं करी तो हम यहाँ पे अपना RT पॉइंट यूज़ कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका जो डाइनो है उसका पेटी बना देते हैं एंड ये बैटल को जो है यहाँ पे ही एंड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो इसका आखिरी डाइनो है वो डाउन हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोग बैटल जीत चुके हैं। अभी जैसे हमें देखने कि हम लोग कौन सी मतलब लेवल पर पहुँचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज टॉप 10 पे तो होने से रहा भाई। ओके, टॉप 10 पे जाने के लिए हमें और एक बैटल चाहिए तो हम और एक बैटल लेके ही चलते हैं। सो टॉप 10 का रोड टू टॉप 10, अगर जस्ट बैटल जीत गए तो हम लोग टॉप 10 पे पहुंच जाएंगे, अगर बैटल हार गए तो हम टॉप 25 में भी रह जाएंगे। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि हम लोग जैसे भी हो सके ये बैटल निकल पाए, पर ओपोनेंट देखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ओपोनेंट अच्छा आ गया तो अपना बैन बजने वाला है, पर यहाँ पे अच्छा नहीं आया तो हम मुझे लगता है कि हम लोग जो जो बैटल है हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ओ माय गॉड, हियर वी गो, 1 पॉइंट होल्ड कर लेते हैं फिलहाल के लिए, इसके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है सो कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 पॉइंट को होल्ड करते हुए यहाँ पे देख लेते कि ये अपना 2 पॉइंट यूज़ करता कहाँ पे। वट, इसने यहाँ पे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट ही यूज़ कर दी,
तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो हम 3 पॉइंट में शायद इसका डाइनो को ले सकते हैं। इसका जो ग्रास टाइप है वो तो डाउन हो चुका है। अभी इसका नेक्स्ट आता है कार्निवरस, जो मेरा ग्रास टाइप के अगेंस्ट काफ़ी काम आने वाला, पर इसका एचपी काफ़ी कम है। तो अगर इसने 2 फटके मार के मेरा डाइनो को ले भी लिया, तो हम भी 2 फटके मारते हुए, नहीं भी 2 फटके चाहिए भी नहीं इसका डाइनो को कम डाउन कर सकते। यहाँ पे 2 फटके मारते हुए इसने मेरा डाइनो को ले लिया है, मेरा फर्स्ट डाइनो डाउन हो चुका है। तो अभी हमें एक ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट होल्ड करते हुए यहाँ पे इसका जो सेकंड डाइनो है उसको भी ले लेते हैं। अब इसका आखिरी एक डाइनो बचा है, स्टिल हमारे पास 2 डाइनो है। तो यहाँ पे बस देखने कि हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते, लेट्स सी। ओके, इसके पास 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स यूज़ करता कहाँ पे, 3 पॉइंट्स में से सिर्फ इसने एक ही फटके मार दिए, अजीब था। कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो 4 पॉइंट्स है शायद, इसका तो पीटी बन ही जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना 6 पॉइंट ही यूज़ करते हुए 4 फटके इसको लगाए, एंड इसका जो आखिरी डाइनो है वो भी डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग बैटल जीत चुके हैं। अभी फाइनली हम लोग टॉप 20 25 से टॉप 10 पे जाने वाले, जस्ट होप करते हैं, क्योंकि जब आखिरी बैटल होता है ना, कभी कभी हम लोग वो पोजीशन से हिलते नहीं है। पर इट्स अ गुड थिंग हम लोग टॉप 10 पे पहुंच गए। ओ भाई, फाइनली फाइनली, इट्स अ ग्रेट थिंग। उसके बाद हमें ज़्यादा ज़्यादा और नहीं जाना है, और थोड़ा और बैटल लूँ तो हम लोग टॉप 5 पे आसानी से अपना जो जगह है बना पाएंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये भी बताना कि आज का जो बैटल था वो बैटल आपको कैसे लगे, एंड ये भी बताना कि आपका जो बैटल में से बेस्ट पोर्शन, मतलब बेस्ट पार्ट बैटल का कौन से लगे, वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।